हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स, जैसा कि आपको पता है, वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। वी कैन स्टोर डिफरेंट इन्फॉर्मेशन इन द वेरिएबल्स। सो वेरिएबल होते क्या हैं? दे आर कंटेनर्स, दे आर स्टोरेज लोकेशंस इन मेमोरी। ठीक है। सो अगर आप वेरिएबल लेते हो, कोई भी वेरिएबल लेते हो, सपोज यू आर टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 5, ऐसा करके आपने एक वेरिएबल लिया, तो क्या होगा? ए नाम का एक स्टोरेज लोकेशन बन जाएगा। ठीक है, एक कंटेनर बन जाएगा कंप्यूटर की मेमोरी में, उसका वैल्यू है 5। ओके, ए नाम का एक स्टोरेज लोकेशन, मतलब आपने लोकेशन को नाम दे दिया है ए। ठीक है। सो जैसा कि सारे लैंग्वेजेस में होता है, देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर क्रिएटिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स के लिए कुछ डिफरेंट रूल्स हैं। सो फर्स्ट रूल इज, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है मतलब, अगर इधर मैं ए ले गई हूँ, ए इज इक्वल टू 5 एंड कैपिटल ए इज इक्वल टू 10, सो दीज टू आर डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर डिफरेंट वेरिएबल्स बिकॉज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। सो स्मॉल ए इज अनदर वेरिएबल एंड कैपिटल ए इज अनदर वेरिएबल। ठीक है। दूसरा रूल क्या है? वेरिएबल नेम्स कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब आप ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड कोई भी लेटर्स ले सकते हो, जिसके थ्रू कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो, जिसके थ्रू यू कैन कंस्ट्रक्ट योर वेरिएबल नेम्स। कुछ कुछ नंबर्स आ सकते हैं इसमें। नंबर्स कौन कौन से हो गए? 0 to 9, दीज आर नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स को हम डिजिट भी बोल सकते हैं, तो ये डिजिट्स या नंबर्स को आप ले सकते हो। एंड यू कैन टेक अंडरस्कोर साइन। ठीक है, अंडरस्कोर साइन आल्सो यू कैन टेक व्हाइल क्रिएटिंग योर वेरिएबल नेम। ठीक है, लेकिन ये कैसे स्टार्ट होगा? ये आप कुछ भी ले सकते हो, बट यू नीड टू बिगिन योर वेरिएबल नेम विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। ठीक है, इट मस्ट बिगिन विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। सो वैलिड वेरिएबल नेम्स आर लाइक, आई एम टेकिंग माय नेम, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, इफ आई एम टेकिंग A1, दिस इज अ वैलिड वेरिएबल नेम। इफ आई एम टेकिंग माय अंडरस्कोर नम, दिस इज आल्सो अ वैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, if I'm taking underscore num, this is also a valid variable name. ठीक है, अभी आपका invalid variable name कौन कौन से हो जाएंगे? I'm talking about invalid. ठीक है, so 1, 2, 3, this is not valid. Okay, if you are taking like this 1A, this is not valid. ठीक है, अगर आप ले रहे हो at the rate A, this is not valid. So these are invalid variable name and these are valid variable names. ठीक है, अभी आप वेरिएबल कैसे क्रिएट कर सकते हो? सो यू कैन डिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल विद द कीवर्ड वेर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, सो आप वेर कीवर्ड का यूज कर सकते हो फॉर डिक्लेयरिंग वेरिएबल, लेट कीवर्ड एंड कॉन्स्ट। सो देयर आर 3 डिफरेंट वेज फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल। 1995 से लेकर 2015 तक ओनली वेर वॉज देयर। ठीक है, वेर के थ्रू ही आप वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे, बट बाद में इंट्रोड्यूस हुआ लेट एंड कॉन्स्ट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे, क्यों हम लेट कॉन्स्ट का यूज करने लगे, वेरिएबल था तभी भी हमें और दूसरे तरीकों की क्यों जरूरत पड़ी, ये भी हम देखेंगे। सो हाउ डू वी डिक्लेयर वेरिएबल बाय यूजिंग वेर, पहले हम ये देखते हैं। सो वेर इज द कीवर्ड थ्रू विच वी कैन डिक्लेयर एनी वेरिएबल। तो इधर मैं कर रही हूँ वेरिएबल डिक्लेयर एक्स, नाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग अनदर वेरिएबल, वेरिएबल नेम इज कार नेम। ठीक, सो इधर दो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए। ठीक है, सो अभी वेरिएबल, इधर वेरिएबल को सिर्फ क्या किया मैंने, डिक्लेयर किया है, डिफाइन नहीं किया, मतलब कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की। ठीक है, सो मैं कोई वैल्यू असाइन भी कर सकती हूँ इस वेरिएबल को। अगर मैंने इधर लिख दिया 10, सो दिस 10 वैल्यू इज असाइन टू वेरिएबल एक्स। ओके, अभी एक्स वेरिएबल का नाम हो गया, उसका वैल्यू क्या है 10। ठीक है, अभी मैंने दूसरा वेरिएबल लिया कार नेम, कार नेम में अगर मैं डाल रही हूँ BMW,
Okay, so this is the value of variable car name. Okay, so after the execution of these statements, the variable x will hold the value 10 and variable car name will hold the value BMW. Okay, so हम क्या करते हैं, अगर आपने वेरिएबल को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है और आप कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो वेरिएबल को, ठीक है, ये तो डिक्लेरेशन पार्ट हो गया वेर कीवर्ड के थ्रू। अगर आपने कोई वेरिएबल लिया, x1 लिया और उसको कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, लेकिन इसको डिक्लेयर नहीं किया है, दीज वेरिएबल्स आर नॉट डिक्लेयर्ड येट, कार इज द वेरिएबल नेम एंड आई एम गिविंग द वैल्यू वॉल्वो, ये मैंने दो वेरिएबल लिए x1 और कार और इनको डिक्लेयर नहीं किया है। तो इधर हमने x1 को डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर दी 5, कार को असाइन कर दी वॉल्वो। ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम लिखते हैं वेर x1 इज इक्वल्स टू 5 एंड वेर कार इज इक्वल्स टू वॉल्वो। ओके, दीज टू स्टेटमेंट्स आर लाइक दिस। ओके, दो वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड x1 एंड कार येट, वी हैव असाइंड द वैल्यू, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसे ही हैं, मतलब अगर आप वेर नहीं लिखते हो तभी भी आपका काम चल जाएगा, बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज अ लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, तो हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं अनडिक्लेयर्ड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को भी, जैसे कि हमने इधर किया। एंड ऑल्सो यू कैन रीडिक्लेयर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, तो भी इसका ओरिजिनल वैल्यू लॉस नहीं होगा। जैसे अगर मैंने इधर लिखा वेर x is equals to 5, okay? और मैं अगेन लिख रही हूँ वेर x, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया लेकिन इधर कोई वैल्यू असाइन नहीं की, सो दिस 5 विल नॉट लॉस्ट, ओके, ये क्लियर नहीं होगा। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स, दीज टू स्टेटमेंट्स, द वेरिएबल x विल हैव द वैल्यू 5, ठीक है, इसका x का वैल्यू रीसेट नहीं होगा, मतलब क्लियर नहीं होगा, इसको वैल्यू रहेगा 5 अगर आप रीडिक्लेयर कर रहे हो तो भी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ डू वी डिक्लेयर वेरिएबल बाय यूजिंग वेर। लेट के थ्रू आप कैसे करोगे, यू कैन राइट लेट एक्स, ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल। एंड कॉन्स्ट के थ्रू आप कैसे करोगे, कॉन्स्ट एक्स, ठीक है। अभी इनमें क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में।